ओ तांत्रिक। रिंशा को नाम कमानो ही बहुत नहीं, बुद्धिमान होना भी जरूरी होवे है। गुरु उपदेश लेकर सर्वशक्ति देवन आला गुरुवा करताई थारी दियोड़ी गुरु दक्षिण आई है। नागमणि पावन की दुरासा मा तू न अपनी आँखिया पर पर्दो गेड़ कर अपनी अकल को भी सत्यानाश कर दियो है। मिनखा का प्राण सा करने आड़ा तू मीनक नहीं राक्षस है, राक्षस। ठीक कही, आज तय मैं जी भी चीज की इच्छा करी भी न हासिल करियो। मन ने तारी नागमणि चाहिए जी। शिव सा वरदान चाहियो भी शिव के सिर पर हाथ रखने विनाश करण आला भस्मासुर की जिया नीच है तू। लोक कल्याण के ताई महाशिव जी काकरा को उपयोग करी ही भी नागमणि ना मारी नाग जाति को अपमान मत कर। देखो तू कहिया नहीं रेसी, मैं शक्ति सा भस्म कर लेसू। बिना पाने के ताई मैं क्यों भी कर सकूं, तारी नाग जाति को नाश कर देसू। बावड़ा तांत्रिक, नाग शक्ति नाग महिमा ने तो नी की तरह जानिए है। विश्वास यहाँ के ताई प्राण न्योछावर करे है नाग जाति। तेरा जिसा राक्षस को नाश करने का ताई परमेश्वर ना महारा गड़ा में विष की स्वार्थ कुमार का रास्ता पर जत तने पहलो पग रखियो भीषण से तू मारो बैरी बन गयो है। तेरो सर्वनाश जरूरी वैसी। असंभव है, माने आली शिवरात्रि के दिन गरुड़ शक्ति को निर्माण कर सियो। तन्ने दासी बनाक नागमणि अपना भस्म कर सियो। तेरो नाश वैर भी नागमणि से मेरी लंबी उम्र वैसी। इसो का दे नहीं बेगो। मैं मिनक हूँ, स्वार्थी हूँ साज है। तू भी तो कोई कारण से नागेश्वरी को रूप लेकर बाका घर में घुसी है कि आज तेरो स्वार्थ कुणी है। बा स्वार्थ नहीं है, मेरी विश्वसनीय भक्तन ही जीने बिना आत्महत्या करने पर मजबूर करियो। भी को नाश करने के ताई मैं भी घर में गई हूँ। भी खानदान न समझाने के ताई ही मैं भी घर में घुसी हूँ। तू अपना स्वार्थ न छोड़कर, अपना कुमार्ग न छोड़कर सही मार्ग पर चाल, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है।